हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली के अंदर ऑटोमेटिक राउंडिंग का एक ऐसा जबरदस्त प्रोसेस बताऊंगा फ्रेंड्स, जिससे आप इंप्लीमेंट भी बहुत इजी वे में कर पाएंगे टैली के अंदर और आपकी अकाउंटिंग भी बहुत ईजी हो पाएगी टैली के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज सुबह ही में मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने ऑटोमेटिक राउंडिंग के बारे में आपको बताया था। उसके लिए मैंने तीन सिचुएशंस बताई थी आपको कि तीनों सिचुएशंस के लिए आप ऑटोमेटिक राउंडिंग कैसे सेट कर सकते हैं। तो फास्टली मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या उसमें बताया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मैंने कंडीशन लिया था कि अगर आप जीएसटी रेट के एक ही आइटम को डील कर रहे हैं, मतलब कि जो आप आइटम्स डील करते हैं वो एक ही जीएसटी रेट की है, या अगर अलग अलग जीएसटी रेट की आइटम भी आप डील कर रहे हैं लेकिन आपने जो टैली के अंदर लेजर्स क्रिएट किए हैं वो कॉमन लेजर क्रिएट किए हैं। कॉमन लेजर मीन्स होते हैं कि आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेल्स परचेज में कोई टैक्स रेट डिफाइन नहीं किया, सिंपल लेजर क्रिएट किए हैं जैसे कि आप पहले भी करते थे। तो फ्रेंड्स, उस सिचुएशन में क्या होता है, आपकी एंट्री टाइम तो बहुत अच्छा से आप कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है और इजी वे में आप एंट्री पास कर लेते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के टाइम प्रॉब्लम आती है। तो उस सिचुएशन में अगर आप लेजर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने ऑटोमेटिक राउंडिंग का प्रोसेस बताया था कि कैसे आप उसके लिए सेट करेंगे। तो वो तो मैंने जो उस वीडियो में बताया बिल्कुल परफेक्ट बताया, उसे मैं इस वीडियो में फिर से क्लियर नहीं करूँगा। उसके साथ मैंने दो सिचुएशंस और बताई थी। एक सिचुएशन मैंने ये बताई थी फ्रेंड्स कि अगर आप अलग अलग जीएसटी रेट के आइटम डील कर रहे हैं और अलग अलग जीएसटी रेट की आपने लेजर्स क्रिएट किए हैं, चाहे वो टैक्स का लेजर हो या परचेज सेल का, और आप जब सेल वाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं तो आप हर जीएसटी रेट के लिए अलग अलग सेल्स वाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं, यानी कि जो आप बिलिंग कर रहे हैं एक जीएसटी रेट के आइटम के लिए एक ही इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब एक ही इनवॉइस के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट के आइटम को डील नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो मैंने बताया था बिल्कुल परफेक्ट बताया था और वो आपको वहाँ पर जो आपने सीखा है बिल्कुल आप उस तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन मैंने एक प्रोसेस और बताया था फ्रेंड्स, जिसमें है कि आप अलग अलग जीएसटी रेट्स के आइटम तो डील कर रहे हैं और आप टैली के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट की लेजर्स भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जब आप सेल करते हैं और सेल्स वाउचर में आप करते क्या हैं, उस टाइम आप अलग अलग जीएसटी रेट के आइटम को एक ही सेल्स वाउचर यानी कि एक ही इनवॉइस के अंदर सेल करना चाह रहे हैं, उस समय आप ऑटोमेटिक राउंडिंग को सेट करने का मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया। उसमें फ्रेंड्स, मैंने जो आपको बताया उसमें मैंने एक भूल की है बताने में, जिसमें क्या है कि आपको जो आप उस तरीके से भी करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, जो टैक्स है, जो सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में मैंने वहाँ बताया है और बैलेंस शीट में आप देखिएगा तो टैक्स बिल्कुल बायफर्किट होकर आएगी, अलग अलग दिखाई देगी, लेकिन जो आपने लेजर्स क्रिएट किए होंगे इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट के लिए, इंट्रा स्टेट मतलब अपने स्टेट के लिए, जैसे अगर आपने सेल्स परचेज में ये तक भी डिफाइन किया होगा कि आप इंटर स्टेट के लिए ये लेजर यूज़ करेंगे, इंट्रा स्टेट के लिए ये लेजर यूज़ करेंगे, सेल्स परचेज में आपने जो जीएसटी रेट डिफाइन किए होंगे अगर वैसे आपने क्रिएट किए होंगे, और वो जो मैंने प्रोसेस आपको जो सुबह की वीडियो अगर आपने देखी होगी उसके तरीके से कीजिएगा, तो उसमें क्या जो ऑटोमेटिक राउंडिंग का जो प्रोसेस सेट कीजिएगा तो पीएल में जब आप जाके देखिएगा तो वहाँ आपको इफेक्ट क्या दिखाई देगा कि सारे के सारे जो भी आप सेल कर रहे हैं सब आपका सिर्फ सेल्स में जा रहा है, अलग से आपको बायफर्किट करके रिपोर्टिंग नहीं दिखाई दे रही है कि ये सेल 18% की कि 28 की, टोटल का टोटल आपका सेल्स में जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ यही एक आपको मैंने मिस्टेक कर दी थी बताने में। हाँ, उस तरीके से भी कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि उस तरीके से नहीं करते हैं, उस तरीके से भी कुछ लोग करते हैं, उन्हें सिर्फ टैक्स को अलग करना होता है तो टैक्स उस तरीके से आपके अलग हो जाएगी। हाँ, अगर परफेक्टली आपको पीएल में सेल्स के लेजर को भी अलग अलग करके देख रहे हैं तो वो उस तरीके से अलग नहीं होगी। तो वही चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर डिफाइन करूँगा कि वो आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि मैं फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप अलग अलग जीएसटी रेट के आइटम को डील कर रहे हैं और आपने टैली के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट के लेजर क्रिएट किए हैं, खाली टैक्स के लेजर नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी के अलग अलग मल्टीपल लेजर नहीं क्रिएट किए, आपने इवन परचेज और सेल के भी मल्टीपल लेजर्स क्रिएट किए हैं, उसमें डिफाइन किया हुआ है कि 18% का, 28% का, इवन उसमें आपने यहाँ तक भी डिफाइन किया कि इंटर स्टेट सेल्स है कि इंट्रा स्टेट सेल है, उसमें आपने डिफाइन किया इस तरीके से कि इंटर स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 18%, इंट्रा स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 28%, तो उस कंडीशन में आप कैसे राउंडिंग, ऑटोमेटिक राउंडिंग को सेट करेंगे, वो भी विथ ईजी प्रोसेस, आपको उसमें कोई नेम ऑफ क्लास को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप एक ही इनवॉइस के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट की बिलिंग भी कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वही देख लेते हैं हमने कैसे किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेजर तो क्रिएट करना नहीं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे अलग अलग जीएसटी रेट के, सेल परचेज सीजीएसटी एसजीएसटी के, और या आप राउंडिंग का कैसे लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आपने वो सुबह वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है, और इससे पहले की जो मेरी कई वीडियोज़ आई हैं उसमें भी मैंने सारी बातें क्लियर की हुई हैं। तो आप अकाउंटिंग इन्फो में जाएँ या इन्वेंट्री इन्फो में जाएँ, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि अगर आप टैली की तरफ से जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेल्स वाउचर दिया गया है वो आप यूज़ कर रहे हैं,
तो आप उसमें जाके कीजिएगा, क्योंकि मैं भी उसी में करने वाला हूँ। और अगर आपने खुद से कोई लेजर वाउचर क्रिएट किया हुआ है, चाहे वो टैक्स इनवॉइस के नाम से किया है, जीएसटी इनवॉइस या किसी भी इनवॉइस के नाम से आपने वाउचर क्रिएट किया है, और आप जितनी भी सेल्स की बिलिंग है सारी उस वाउचर के अंदर कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें मैं अभी यहाँ पर एप्लीकेबल करूँगा वो आपको अपने उस वाउचर के अंदर करनी होगी। तो आप इन्वेंट्री इन्फो या अकाउंट इन्फो दोनों में से किसी एक में जा सकते हैं, उसके अंदर आपको वाउचर टाइप में जाना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्रिएट, मतलब फर्स्ट टाइम कोई वाउचर क्रिएट कर रहे हैं जैसे टैक्स इनवॉइस या जीएसटी इनवॉइस का, तो आप क्रिएट में जाके सारी चीज़ें करें, पहले आप वाउचर क्रिएट कर लें। ये भी मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया, एक सिंपल सा आपको हिंट दिया कि वाउचर आप कैसे क्रिएट करेंगे, और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बात पूरी डिटेल में बताई हुई है, जो भी मेरे पीछे के वीडियो हैं कि कैसे वाउचर्स क्रिएट होते हैं। अब आ जाइए अल्टर में, क्योंकि मैंने करना किस में है, मुझे सेल्स वाउचर में करना है, जो कि ऑटोमेटिकली टैली की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता है। या अगर मैंने पहले ही से टैक्स इनवॉइस, अगर आपने भी क्रिएट किया हुआ है टैक्स इनवॉइस का वाउचर या जीएसटी इनवॉइस का वाउचर आपने क्रिएट किया हुआ है, तो आपको भी अल्टर में आके ये सारी चीज़ें करनी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्रिएट में जाके करना है। सेल्स वाउचर में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ क्लास में कुछ नहीं देना है, यहाँ पर आपको ये इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन इससे यस करना है, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मैंने यस किया हुआ है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में आता है, आना है आपको सेट अल्टर डिटेल्स डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज, इसे आपको यस करना है। इसे यस करने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, ये आपके में नहीं आएगा नेम ऑफ आइटम लेजर नेम, इस तरीके से नहीं आएगा, ये तब आएगा, और ये आपको लाने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको ये बता देता हूँ ये किस चीज़ में यूज़ आता है। F12 इसमें आप ये देख सकते हैं, कॉन्फिगर में जाने के बाद सेट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम, इसे आप यस कीजिएगा तो ही वो आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप अपना आइटम तक डाल सकते हैं, उसके बाद उसके जैसे अभी मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, पहले इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैंने डायरेक्ट नीचे लिया हुआ है इसीलिए इसमें नहीं ये रुक रहा है। ये आपको उसके अंदर भी जब नेम ऑफ क्लास में आप जाएंगे, जो मैंने आज सुबह की वीडियो बताई थी, क्योंकि मैंने पहले ही से सेट किया हुआ है इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहा, स्किप हो रहा है। सुबह की जो वीडियो थी उसमें नेम ऑफ क्लास में भी अगर आप कॉन्फिगर में जाकर एडवांस जो ये अभी ऑप्शन बताया इसे यस कर देंगे, तो यहाँ पर आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप जब नीचे जाइएगा, अगर मान लीजिए आप दो ही तीन प्रकार के आइटम्स अपने बिजनेस में डील कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दो ही तीन प्रकार के बिजनेस में आइटम डील कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करेंगे और नीचे में उसके बाद उसका लेजर, अगर वो मल्टीपल लेजर्स यूज करें तो फ्रेंड्स इसका कोई यूज़ है ऐसे है नहीं कोई खास, तो मैं इसे भी फिलहाल नो ही कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आएगा जब आप फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा। यहाँ पर आपको सेल्स का वाउचर सेल्स का लेजर यूज़ करना है, सेल्स का लेजर आपको एक कॉमन लेजर बना लेना है अपने टैली के अंदर सेल्स का, ये आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये कैसे बनता है आपको मालूम ही होगा, आप मेरी पीछे की वीडियो से भी देख सकते हैं, और अगर आपने सुबह की वीडियो देखी उससे आपको क्लियर हो ही गया होगा। उसके बाद CGST और SGST के आपको लेजर्स और IGST के लेजर्स क्रिएट करने, जितने भी रेट्स के आप आइटम डील कर रहे हैं, जितने भी टैक्स रेट्स के GST रेट्स के आप आइटम डील कर रहे हैं, सबके लेजर अगर आप मल्टीपल क्रिएट किए हैं तो आप सारे के सारे यहाँ पर चूज़ करेंगे, ठीक है। CGST 6%, SGST 6%, इसी तरीके से आपको यहाँ पर चूज़ करना है। चूज़ कैसे करना है, तो आप जब इस पर आइएगा तो आपके सामने इस तरीके से लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट ओपन होगा, इसमें से आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इस तरीके से आपको चूज़ करते जाना है जो भी आपके लेजर्स आपने क्रिएट किए मल्टीपल टैक्स के। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो राउंडिंग ऑफ है इसे आपको सबसे लास्ट में चूज़ करना है, मैंने अभी ऊपर में चूज़ किया हुआ है, तो इससे क्या कि आपकी बिलिंग में थोड़ा मतलब अटपटा सा लगेगा, इसीलिए आपको राउंडिंग ऑफ सबसे लास्ट में चूज़ करना है। सबसे पहले जितने भी टैक्स के लेजर्स है सब आपको पहले चूज़ करने हैं, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पर मिस्टेक की है तो आप भी ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, मिस्टेक नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ ये आपकी इनवॉइस को थोड़ी अट्रैक्टिव बनाती है अगर आप नीचे चूज़ करते हैं तो, ठीक है। यहाँ राउंडिंग ऑफ का लेजर आपको क्रिएट करना है, वो कैसे करना है मेरी सुबह की वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सिंपली यहाँ पर बता देता हूँ। राउंडिंग ऑफ लिखिए लेजर में जाके, उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंस दोनों में से किसी में भी चूज़ कर लीजिए आप। आपका जब इनवॉइस में माइनस प्लस होगा वो टैली ऑटोमेटिकली उसे कर लेगा कि वो इनडायरेक्ट इनकम है कि एक्सपेंस है, वो अपने PL में उसे एडजस्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर उसके अंदर नीचे GST में आपको नॉट एप्लीकेबल चूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स, एप्लीकेबल नहीं करना GST। उसके बाद यहाँ पर राउंडिंग ऑफ चूज़ कीजिए, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग इसे चूज़ कीजिए। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग इसलिए कि अगर आपका मान के चलिए इनवॉइस का वैल्यू बन रहा है, अगर आपका राउंडिंग को अभी मैं हटा के बात करूँ तो 200 रुपये 50 पैसे, तो 50 पैसे या 50 पैसे से जैसे ऊपर होगा तो ये प्लस कर देगा नॉर्मल राउंडिंग, और अगर उससे नीचे होगा मान लीजिए 49 पैसे होगा तो वो उसे माइनस कर देगा, ठीक है। तो नॉर्मल राउंडिंग का यही इफेक्ट होता है, डाउनवर्ड या अपवर्ड कीजिएगा, डाउनवर्ड कीजिएगा तो हमेशा नीचे जाएगा, अपवर्ड कीजिएगा तो हमेशा ऊपर जाएगा, नॉर्मल में सिर्फ 50 पैसे का चलता है। और यहाँ पर राउंडिंग लिमिट यानी कि 1 रुपये तक ही आप राउंडिंग करना चाह रहे हैं, और यस करते हुए इस तरीके से आप चूज़ करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि अगर फ्रेंड्स आप जब सेल्स करते हैं तो आप देखते होंगे कि अगर आप इस ऑप्शन को यस नहीं कीजिएगा सेल्स वाउचर के अंदर, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग
यस इसे अगर आप नो रखते हैं, जैसे कि आपका बाय डिफॉल्ट नो ही रहता है, अगर आप इसे यस करते हैं तो फ्रेंड्स इसका बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब सेल्स वाउचर के अंदर एंट्री पास कर लेंगे अपनी, जो भी आपको पास करनी इनवॉइस क्रिएट कर लेंगे, तो आप जब एक्सेप्ट करते होंगे तो आपका वहाँ से हट जाता होगा जो आपने वाउचर क्रिएट किया है, वो जाके डिस्प्ले डे बुक में चले जाता है, तो वहाँ पे आपको जाके फिर से प्रिंट करना पड़ता है, या आप इनवॉइस में रहते हुए पेज अप का बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तब आपके सामने वापस इनवॉइस आती है तो आप प्रिंट कर पाते हैं, और प्रिंट करने के लिए आपको एल्ट के साथ पी प्रेस करना पड़ता है फ्रेंड्स, तब आप प्रिंट कर पाते हैं, ठीक है। या आपको यहाँ पर इस तरीके से ऊपर में रहता है ऑप्शन, वहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। तो अगर आप इसे यस रखते हैं तो आपकी जैसे सेव होगी उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप एंटर कर देंगे प्रिंट हो जाएगा, तो ये यस रखने से आपका सामने ऑटोमेटिकली प्रिंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसे यस कर सकते हैं अगर आपको ऑटोमेटिकली प्रिंट करना हो इनवॉइस। अब आ जाइए फ्रेंड्स अकाउंटिंग वाउचर, इसमें मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि अगर आप एक ही इनवॉइस के अंदर, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल जीएसटी रेट के आइटम डील करना चाह रहे हैं और आपने मल्टीपल लेजर्स लिए हुए हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कॉन्फिगर में जाइए और यहां पर जाने के बाद आप यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन इसे नो कर दीजिए, ये यस रहता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जीएसटी के अंदर आपकी इनवॉइस की जो डिजिट है, कैरेक्टर है, वो 16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाएंगे, और मैक्सिमम उसके लिए 16 ही डिजिट जीएसटी के रूल के अनुसार आप ले सकते हैं इनवॉइस की। तो यहाँ पर आप इसे अगर नो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये यस रहता है, अगर बाय मिस्टेक आपसे कभी नो हो गया है और आपकी इनवॉइस की जो नंबरिंग है वो 16 डिजिट से ज़्यादा हो रही है तो आपको पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स, तो ये अगर आप यस रखिएगा वॉर्न इफ़ वाउचर नंबर एक्सीड 16 कैरेक्टर तो आपको उसके लिए वॉर्न करेगी टैली, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको कैश चूज़ करना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए आपको यहाँ पर कोई नेम ऑफ क्लास चूज़ नहीं करना पड़ा, सिंपली आपको सेल्स वाउचर में आप IF8 प्रेस कीजिएगा, जैसे मेरा तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ओपन था लेकिन अगर आप F8 प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से आएगा। अगर नेम ऑफ क्लास क्रिएट कीजिएगा तो आपको वो चूज़ करना पड़ता है, इसमें आपको वो सब चूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर आप देखिए CGST का आपको जितना भी आपने वहाँ लेजर्स लिया था सब यहाँ पर आ गया अलग अलग जीएसटी रेट का। तो फ्रेंड्स आपको क्या है कि जिस जो एप्लीकेबल होगा इनवॉइस में सिर्फ वही प्रिंट होगा, पूरे के पूरे प्रिंट नहीं होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। कैश मैं चूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना स्टेट चूज़ कर लेता हूँ जहाँ मैं सेल कर रहा हूँ, कंज्यूमर कैश के लिए कंज्यूमर। उसके बाद यहाँ पर पेन, सपोज मैंने इसमें 28% डिफाइन किया आइटम क्रिएट करते वक्त, 10 पीस नेगेटिव में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परचेज़ मैंने नहीं किया इसलिए। और आपके सामने वो जो आपने अभी यहाँ देखा होगा F12 कॉन्फिगर में मैंने जो ऑप्शन बताया था यूज़ आइटम एलोकेशन करके आपको जो बताया था, वो जब आप नो कर दीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होगा, और यही विंडो आपके सामने जब मैंने जो आज की सुबह की आपने अगर वीडियो देखी होगी उस समय आपके सामने ये नहीं ओपन हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, ये आपका 28% का है, तो आप अगर आपने इस तरीके से क्रिएट किया है, मेरी तरीके से क्रिएट किया है कि इंट्रा स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 28%, अगर आपने सिंपली किया है सेल एट द रेट ऑफ 28%, यानी कि आप इंटर स्टेट या तो सेल करते ही नहीं है या करते हैं, तो उन दोनों के लिए आपने एक ही लेजर रखा है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पूरा डिटेल में दिया है कि इंटर स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 28%, आप मतलब इतना बायफर्किट करके देखते हैं तो उस सिचुएशन में इस तरीके से आपको ये लेजर चूज़ करनी, क्योंकि 28% का आइटम है। ये चूज़ करने के बाद इस तरीके से आप आ जाइए तो उसके ऊपर देख सकते हैं आपको CGST SGST 14% कैलकुलेट हो गई है, क्योंकि अपने ही स्टेट में सेल भी कर रहा हूँ। और पेंसिल ले लेता हूँ, मैं दूसरा आइटम ले लेता हूँ और 10 पीस इसे भी कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने जानबूझ के कुछ पॉइंटिंग में दिया है ताकि मेरा राउंडिंग ऑफ भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो, आप देख सकते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पर मैं इंट्रा स्टेट सेल एट द रेट ऑफ 18% लूँगा अगर इंटर स्टेट होता, लेकिन फ्रेंड्स एक ही इनवॉइस के अंदर इंटर और इंट्रा स्टेट दोनों नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो गलती कभी ना करें। और डेट के लिए याद रखें कि ऑटोमेटिकली तभी कैलकुलेट होगा जब आपके एक साथ या उसके बाद की डेट, उससे पहले की डेट में नहीं होगा। और कुछ लोग एजुकेशनल जो वर्जन है टैली का, मतलब परचेज नहीं करते, एजुकेशनल यूज़ करते हैं, उनकी डेट चेंज नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूँ, उसमें कुछ एक दो ही डेट है जो चेंज हो पाती है, बाकी डेट चेंज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा यहाँ पर जब मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा तो आप देखिएगा फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली एक तो सेव हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर चाहें तो आप इस पर क्लिक करके एल्ट के साथ एल प्रेस करके या बटन बार पर क्लिक करके आप इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, आप जिस लैंग्वेज में इनवॉइस निकालना चाहें उसमें भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपने जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन चूज़ करके रखा है कि मैं पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ फिर प्रिंट करूँगा, तो अगर आपने नहीं इसे यहाँ पर इस तरीके से एल्ट के साथ आई जो है इस पर आप ऐसे कर दीजिएगा तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन हट गया है। तो अगर आप यहाँ पर जैसे आप वाउचर में एंट्री पास करके सेव कीजिएगा आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे ये यस कीजिएगा तो आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप इंटर प्रेस कीजिए या वाई प्रेस कीजिएगा तो आपकी प्रिंटिंग हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ तो मैंने वो ऑप्शन चूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स एल्ट के साथ जेड प्रेस कीजिए जूम होगा,
और जूम पर भी क्लिक कर सकते हैं तो आपका जूम हो जाएगा। आप देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने उतना ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर CGST, SGST और 9% और 14% का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी के ऊपर कैलकुलेट हुआ है, बाकी के सारे हट चुके हैं। राउंडिंग ऑफ मैंने इसीलिए बोला था कि नीचे रखिए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है इनवॉइस देखने में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये बता दूँ कि अब आप चलिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर कि मैंने किस तरीके से एंट्री पास किए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं दो तीन बातें और बता दूँ कि अगर आपने अलग अलग GST डेट के आइटम बनाए हुए हैं और आपको याद नहीं रहता है कि अगर मैं अभी यहाँ पर कैसे आपको याद रहेगा कि पेन के अंदर कौन सा GST रेट आपने डिफाइन किया, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 100-200 प्रोडक्ट डील कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि मेरे पास TDL फाइल है, जिससे या तो आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आप उसका सहारा ले सकते हैं, हिंट ले सकते हैं कि उस आइटम में क्या आपने डाला हुआ है GST रेट, या आपको एक और TDL फाइल है जिसमें आपके सामने यहाँ वाउचर के अंदर ही कॉलम्स बन जाएंगे HSN कोड और GST रेट के। तो आपको जैसे आप प्रोडक्ट चूज़ कीजिएगा आपके सामने उसका रेट आ जाएगा, तो उसके बाद आप इजी वे में चूज़ कर सकते हैं अपना लेजर, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि मेरा ऐप भी आया हुआ है मेरे चैनल के नेम से, और मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वो टैली ऐप है, जितनी मेरी वीडियोस हैं, चाहे वो न्यू वीडियोस आने वाली हैं या पुरानी वीडियो, सारी की सारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इजी वे में देख सकते हैं, आप वो ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं चलकर PL, जो कि मैंने जो आज सुबह का वीडियो उसमें जो आपको PL का इफेक्ट मैं बता दूं कि किस तरीके से हुआ होगा। अभी आप देखिए बैलेंस शीट में चल के देखिए, तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में यहाँ पर देखिए आपके जितने भी मैंने दो तीन एंट्रीज पास करके रखी, इसलिए अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। CGST, SGST सब कुछ अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके से, यही होता है मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने का बेनिफिट। और जो आपको सुबह में मैंने वीडियो बताई, जो उसमें मैंने प्रोसेस बताया था जिस केस के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, ये चीज़ तो बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी, लेकिन एक चीज़ आपको परफेक्ट नहीं आ रही है, जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और इसमें एक और रीज़न था बनाने के पीछे कि नेम ऑफ क्लास के बिना भी आप ऐसा सेट कर सकते हैं, ये भी एक रीज़न था। सेल्स अकाउंट में जाइएगा फ्रेंड्स, तो आप देखिए आपने इंट्रा स्टेट 18% 28% का अलग दिखाई दे रहा है जो भी आपने सेल किया, लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ यहाँ पर सेल्स दिखाई देती और सारा का सारा आपको उसके अंदर चला जाता, तो मल्टीपल लेजर्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जो भी मुझसे वहाँ मिस्टेक हो गई आपको बताने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको देखना है कि कैलकुलेशन कैसे हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैलकुलेशन किस हिसाब से हुआ है, तो वो आपको पता ही होगा कि कैसे देखा जाता है। एल्ट के साथ आप ए प्रेस कीजिए या टैक्स एनालिसिस बटन बार पर, इस पर आप क्लिक कीजिए, डिटेल क्लिक कीजिए, तो आपके सामने सारा डिटेल आ जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।